तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अखिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को मैं एक्सेल में जोड़ घटाना गुणा भाग करने को बताऊंगा। ये चार चीज आपको एक्सेल में मैं सिखा के जाऊंगा, पूरी गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो खाना खाना सा बना हुआ है, इसे हम लोग सेल करते हैं। और ऊपर जो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सब लिखे गए, ये सेल नेम है। एंड यहाँ पर लिखा गया 1 2 3 4, ये सेल नंबर है, ठीक है। तो हम जब इसको जोड़ घटाना करते हैं तो सेल नेम और सेल नंबर के माध्यम से ही हमें इसमें लिखना होता है। तो अभी आपको आगे देखिए, अभी हम आपको जोड़ बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ऐड, ठीक है। ऊपर लिख देंगे ऐड, यानी कि ऐड मतलब होता है जोड़, एडिशन यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं कोई सा नंबर, ठीक है, 25 ले लेते हैं। 25 सिंपल सा आप समझने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर मैं 25 ले लिया। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, ठीक है। अब देखेंगे ये किस सेल नेम में है, तो यहाँ पर बी नंबर में है, ठीक है, बी नेम वाले में। और नंबर देखेंगे 1 और 2 वाले में, यहाँ पर मैंने इसमें मान रखा है। और जोड़ना में 4 वाले में, तो 4 वाले में इस तरह से इसको बॉक्स को लाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर। और इसको लाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इक्वल टू, हम डायरेक्टली भी 25 25 25 प्लस 25 करेंगे तो 50 आ जाएगा। लेकिन ये जो है ये तरीका गलत है, यहाँ पर कोई भी पूछता है तो ये तरीका मतलब इस तरह से करने पर गलत है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इक्वल टू लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे ये किस वाले सेल में है, यहाँ पर बी नंबर सेल में है। और यहाँ पर 2 और 3 है, तो पहले हम लिखेंगे B2, पहले हम B2 को करेंगे B, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है, ये हो गया। अब हमें प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब फिर देखेंगे एक मान जो है आपका तीसरा में, तो यहाँ पर B3 कर देंगे। अब उसके बाद हम कर देंगे इंटर, देखिए 50 का मान हो गया 50। इस तरह से मतलब कोई भी मान हो हम कर सकते हैं, जिस भी सेल नंबर में हो। और सेल नेम और नंबर को लिखना है हमें प्लस करके, ये आपका मान आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और भी, अभी हम तीनों को यहाँ पर, ये तीनों को जोड़ना है हमें, तो हम यहाँ पर करेंगे, इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू सम, उसके बाद कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। अब हमें देखेंगे सबसे ऊपर कौन सा है, तो B2 में सबसे पहला वाला मान है और लास्ट वाला B4 में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे B2 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले चिन्ह को लगा देंगे, उसके बाद अब क्या है, B4 लास्ट वाला मान जो है B4 में है, तो हम V4 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया, आप कोष्टों का कर देना है बंद। अब हम कर देंगे इंटर, देखिए यहाँ पर 100 हो चुका, मतलब हम चारों को, तीनों को जोड़े हैं, तो यहाँ पर 100 हो गया, 25 25 प्लस 50, तो ये 100 हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाना बताते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में आपको घटाना मैं बताऊंगा, यहाँ पर घटाना कैसे लगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं 75 माइनस 25, ठीक है, मैं ऐसा मान ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। और अब ज्यादा आपको जोड़ घटाना चाहिए इसमें, आप लोग जान जाओगे 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसा मान ले रहा हूँ, यहाँ पर 75 और नीचे ले लेते हैं 25, ठीक है। अब इसको हमने ले लिया, ठीक है, 75 और 25। अब हमें क्या करना है, घटाना है, तो हमें 75 में से 25 को घटाना है, तो करना क्या होगा, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन का क्या है, तो यहाँ पर आपको आएंगे नीचे वाला सेल में, जैसे कि आ गया है 4 नंबर में, और यहाँ पर भी मैंने बी नंबर में ही सेल को लिया, देखिए 20 सेल में लिया है। और नंबर देखेंगे 2 और 3 वाले में मान है, और चौथे में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसमें हम कर देंगे इक्वल टू, अब देखेंगे किस बार, पहले है B2, ठीक है, B2, अब क्या करना है हमको, घटाना है मतलब अधिक वाले में से घटाना है, V2 माइनस V3 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 वाले में 1 है, तो 3 वाले को घटाना है, V3 कर देंगे। उसके बाद हम कर देंगे इंटर, यहाँ पर देखिए 50 आ चुका है, 75 में से जब आप 25 घटाओगे तो 50 आ जाएगा। और डायरेक्टली आप बराबर करके 75 लिख के उसके बाद माइनस 25 कर देंगे, तब पर भी 50 आएगा, लेकिन ये तरीका जो है गलत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब आप ये हो गया मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में आपको मैं बताता हूँ, 25 गुणे 50, ठीक है। तो यहाँ पर मिल लेते हैं एक मान 25 और एक मान ले लेते हैं 5, 25 25, आपको पता होगा कितना होगा, ठीक है। अभी आपको गुणा करके दिखाता हूँ, ये हम मान ले लिए। अभी सेल हम दूसरे में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ, ठीक है। किसी भी सेल में हो आपको, जैसे कि सी में है, तो C2 कर देना है एंड गुणे C3 कर देना है, ठीक है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना है, पहले आपको इक्वल टू कर देना है। अब देखेंगे मान क्या है, किस सेल में है, तो बी वाले में है। और नंबर में देखेंगे तो पहला है 2 और दूसरा 3 है, तो पहले हम कर देंगे जो है B2, ठीक है, B2। और यहाँ पर आपको कीबोर्ड में गुड़े का स्टार वाला चिन्ह है, इसको लगा देना है। अब कर देना है V3, ठीक है, अब ये हो चुका। अब हम मार देंगे इंटर, देख लीजिए 25 25 कितना होता है आपको पता होगा। और एक बार फिर आप देख लीजिए मॉनिटर पर, 125 हो चुका है। तो ये हो गया आपका गुणा भाग, किसी तरह से आप करना है कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं डिवाइड करने को, ठीक है, ये हो गया डिवाइड। अब डिवाइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं 50 और भागा 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक सेल, एक नंबर लेते हैं 50 और दूसरा ले लेंगे 2 से हमें भाग करना, ठीक है, 2 लेते हैं, या फिर कोई भी मान हो ले लेते हैं। तो
तो यहाँ पर आप देखिए हमें तीन और चार नंबर में, तीन और चार सेल नंबर में हमने मान रखा है और सेल नेम में बी वाले में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों को हमें भाग करना है, तो करना क्या होगा आपको, सबसे पहले कर देना इक्वल टू, उसके बाद कर देना है वी थ्री, पहला देखेंगे मान है वी थ्री, तो वी थ्री कर देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको यहाँ एक चिन्ह होता है इस तरह का, देख लीजिए भाग का चिन्ह होता है आपको पता होगा। अब कर देना है वी फोर, ठीक है वी फोर, ये हो चुका है, इंटर मारेंगे आपका देखिए मान आ गया। जब आप 50 में 2 का भाग करेंगे तो 25 से जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डिवाइड कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका अगला वीडियो में और भी अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको और जल्दी समझ में आ जाए। और इसके आगे और भी सेल के मतलब एक्सेल के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।